हाय फ्रेंड्स मिया आकांक्षा शर्मा जी के वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पहला भाग स्टार्ट करने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा करंट अफेयर्स की समस्या मैं आपकी दूर कर दूंगी और यहाँ पे हम जनवरी से दिसंबर तक जितना भी टोटल करंट अफेयर है लगभग दो हज़ार वन लाइनर करेंट हैं इसमें प्लस भी हो सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वन लाइनर फैक्ट के रूप में हम पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए एक एक लाइन को हम दो बार याद करेंगे कि आप ताकि वीडियो के वीडियो के ही थ्रू आप याद करते जाएं इसमें पूरे साल का सारांश कवर रहेगा आप किसी भी एमपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एम पी हो चाहे एम पुलिस हो चाहे पटवारी हो चाहे संविदा सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अगर अभी आपने कहीं से प्री के नोट्स नहीं लिए हैं तो आप हमारा ये प्री का पैकेज ले सकते हैं देख सकते हैं यूनिट वाइज है इसमें मोस्टली जो फाइल है, वो हैं वो हैंड रिटर्न है मैंने हाथों से लिखी हैं ताकि आपको कोई भी फैक्ट जो है वो कठिन ना लगे और बहुत इजीली लैंग्वेज में आपको याद हो जाए तो आप देख सकते हैं ये बारह बुकलेट हैं और ये बारह बुकलेट आप मंगा सकते हैं दस तो यूनिट वाइज हैं और यूनिट एट की दो फाइल हैं क्योंकि करंट अफेयर्स की है और एक खेल कूद की है इसी प्रकार एक प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रैक्टिस लगाने के लिए दिया है तो आप अगर ये चाहें तो ये मंगा सकते हैं आप कहीं भी भारत में रहते हो आपके पास ये पहुँच जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अलावा आज हम एन सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे प्री के केयर क्लास कोर्स की जैसा कि लोगों ने बोला है कमेंट uh, मैंने कल जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी तो बहुत सारे लोगों से मैंने बोला था कि आप लोग बताइए कि पुरानी पी सीरीज़ को कंटिन्यू करें कि एन सीरीज़ बनाएं तो आप लोगों ने बोला एन सीरीज़ बनाइए तो आज हम एन सीरीज़ स्टार्ट करेंगे 2020 में मैंने सी सीरीज़ चलाई थी उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत आ, लोगों को बहुत ज़्यादा उस पर फ़ायदा मिला था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसी सी सीरीज़ में से ही आए थे इसी प्रकार से हम एन सीरीज़ करेंगे आज हम उसमें विज्ञान का मौलिक सिद्धांत डिटेल वाइज पढ़ेंगे तो आप उसको ज़रूर देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इसके आगे के करंट के भाग मिलते रहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा देख सकते हैं इसी प्रकार से अगर आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं मुख्य परीक्षा की टोटल आपको चालीस बुकलेट मिलेंगी जिसमें आपको पच्चीस व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे प्री की जो फाइल है उसमें बारह बुकलेट मिलेंगी और एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा जहाँ पर आपको तैयारी कराई जाएगी पहला क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिज़र्व को यूनेस्को से बायोस्पियर रिज़र्व का दर्जा मिला है तो ये मिला है पन्ना टाइगर रिज़र्व को किसको मिला है पन्ना टाइगर रिजर्व और ये भारत का बारवा बन गया है मतलब भारत का बारवा बायो रिज़र्व बन गया है कौन पन्ना तो पन्ना को हाल ही में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिज़र्व का दर्जा दिया है पन्ना भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है बारवा बन गया है और अगर आपसे पूछें कि हाल ही में पन्ना टाइगर रिज़र्व को यूनेस्को ने बायोस्पियपियर रिज़र्व का दर्जा दिया यह मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का बायोस्पियर रिज़र्व है तो ये तीसरा है पहला कौन सा था पचमढ़ी था और फिर अमरकंटक था देन ये कौन सा है तीसरा है तो पन्ना तीसरा बन गया है और भारत का बारवा बन गया है अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में होने वाली बिक्री पर लगने वाले कर को राज्य सरकार ने कितना कम कर दिया है तो मध्य प्रदेश में पहले की जो कृषि उपज मंडियां थी उन पर सरकार एक बिक्री कर लगाता था, था उसको सरकार ने कम दे दिया है मतलब प्रति सौ रुपये पर व्यापारियों को सिर्फ पचास पैसे कर देना होगा मतलब अगर सौ रुपये का व्यापार कर रहे हैं तो उस पर टैक्स कितना लगेगा पचास पैसे लगेगा तो ये बहुत कम कर दिया है अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में कब मनाया गया तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस किसके जयंती पर मनाया गया तो ये बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया गया किसकी पे बिरसा मुंडा की जयंती पर याद रखिएगा जनजाति गौरव दिवस के रूप में किस दिन मनाया गया पंद्रह नवंबर को मनाया गया किसकी जयंती पर मनाया गया बिरसा मुंडा की जयंती पर अगला क्वेश्चन है बेंगलुरु में इंटरनेशनल राइडिंग स्कूल द्वारा आयोजित इक्स्ट्रियन चैलेंज सो जंपिंग 2020 में एक स्वर्ण और एक रजत पदक किसने जीता पहले तो ये ध्यान रखिए कि इक्स्ट्रियन चैलेंज सो जंपिंग कहाँ हुई थी तो बेंगलुरु में हुई थी और इसमें मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता तो ये प्रणस प्रणब खरे ने जीता प्रणब खरे घुड़सवार है और ये हमारे मध्य प्रदेश की घुड़सवार अकेडमी के खिलाड़ी हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकेदमी कहां पर है याद करी जिसको भी वीडियो पसंद आता है कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको नहीं पता है तो गूगल से सर्च कीजिएगा कि मध्य प्रदेश में घुड़सवारी अकेदमी कहाँ है इससे क्या होगा आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा तो प्रणब खरे ने जीता है बेंगलोर में जो राइडिंग स्कूल द्वारा आयोजित इक्स ट्रियन चैलेंज शो चम्पिंग हुआ था उसमें एक स्वर्ण और एक रजत पदक मध्य प्रदेश शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा जनजातीय कार्य विभाग याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जो आदिम जाति पहले इसको क्या बोलते थे आदिम जाति बोलते थे अब इसका आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम हटा के क्या कर दिया गया जनजातीय विभाग कर दिया गया क्या कर दिया गया जनजातीय कार्य विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदल के क्या कर दिया गया जनजातीय कार्य विभाग अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री चौहान ने मध्य प्रदेश के माध्यम द्वारा जनजातीय जन नायकों के आत्मसम्मान पर आधारित किस फिल्म का विमोचन किया हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने एक फ़िल्म का विमोचन किया है जो ती जो कि जन जनजातीय और जन नायकों पर आधारित है तो ये फिल्म कौन सी है ये फिल्म है रण बांकुरे और रन बांकुरे फोल्डर याद रखिएगा जनजातियों जन, जन नायकों के आत्मसम्मान पर किस फिल्म का विमोचन मुख्यमंत्री जी ने किया तो रण बांकुरे और रन बांकुरे फोल्डर का किया अगला क्वेश्चन है हाल ही में पर्यटन मामलों के लिए एक पर्यटन कैबिनेट का गठन हुआ है किसका गठन हुआ है पर्यटन कैबिनेट का गठन हुआ है और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया जो पर्यटन मामलों के लिए एक पर्यटन कैबिनेट का पुनर्गठन हुआ है और इसके लिए एक समिति बनी है इस समिति के अध्यक्ष कौन है ये बोल रहे हैं तो ये है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको याद रखना है कि हाल ही में पर्यटन कैबिनेट का गठन हुआ है और इसके लिए एक समिति बनी है इस समिति के अध्यक्ष कौन है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर पशु चिकित्सा और पशुपालन केंद्र की स्थापना की जाएगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर पशु चिकित्सा और पशुपालन विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी तो कहाँ की जाएगी तो ये आगर मालवा ज़िला में एक गऊ अभ्यारण है सालरिया में मतलब तो तो आगर मालवा का में एक गौ अभ्यारण्य है आ, वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी पशु चिकित्सा और पशुपालन विज्ञान केंद्र की और इसको किस कौन बनाएगा किसके माध्यम से बनाया जाएगा तो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान है विश्वविद्यालय है जबलपुर में उनके माध्यम से बनाया जाएगा आपको याद रखना है कि कहाँ पर पशु चिकित्सा और पशुपालन विज्ञान केंद्र बनेगा आगर मालवा में किस सालरिया में बनेगा किसके माध्यम से बनेगा तो जबलपुर में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय आपको ये भी ध्यान रखना है आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है तो कहाँ है जबलपुर में अगला क्वेश्चन है देश का पहला स्मार्ट शहर कौन सा बन गया है जिसने सफाई और कचरा निपटान के बल पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से कमाई शुरू कर दी है मतलब सफाई का जो कचरा आता है उसको बेचकर कमाई शुरू कर दी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तो वो है इंदौर देश का पहला स्मार्ट शहर कौन सा बन गया है जिसने सफाई और कचरा निपटान के बल पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से कमाई शुरू कर दी है तो कौन सा है वो इंदौर है नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग हाल ही में जारी की है इसमें भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को कौन सा स्थान मिला है 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी की है इसमें भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कौन सा स्थान मिला है दूसरा स्थान मिला है पहला स्थान अहमदाबाद को मिला है और अगर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की बात करें तो चौथा स्थान इंदौर को मिला है तो भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को स्मार्ट सिटी की लिस्टिंग में कौन सा मिला है दूसरा स्थान मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा डेढ़ एकड़ जमीन संग्रहालय प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षण हॉल के लिए किसको देगी देगी तो जो विधानसभा है वो एकड़ जमीन जमीन ताकि संग संग्रहालय बन सके प्रशासनिक भवन बन सके प्रशिक्षण हॉल बन सके तो ये किसको देगी तो पंडित कुंजी लाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ को देगी किसको पंडित कुंजी लाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ को देगी अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेस्डर किसको बनाया है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तो निमाड़ी जिले के प्रोफेसर चेतन सोलंकी हैं इनको बनाया है याद रखिएगा चेतन सोलंकी दिमाग में बिठा लीजिए चेतन सोलंकी 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 में सौर भी आता है है ना तो चेतन सोलंकी को मतलब सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेस्डर बनाया है और इन्हीं को हम सोलर मैन और सौर गांधी भी कहा कहते हैं किसको चेतन सोलंकी को और कहाँ के ये चेतन सोलंकी नेमाड़ी के हैं ये भी याद रखिएगा नेमाड़ी जिले के प्रोफेसर चेतन सोलंकी हैं इन्हें सोलर मैन और सौर गांधी भी कहा जाता है फ्रेंड्स मैं मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले जिले वाइज मध्य प्रदेश के आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छे से एक एक ज़िला आपका कवर होगा आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाएंगे वहाँ पर एम पी जी के डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलेगा वहाँ पर आप देखेंगे अभी तक मैं चार से पाँच वीडियो उसके बना चुकी हूँ कल उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा अल एक एक जिले को बहुत अच्छे से कवर किया है विथ मैप तो आप उसको ज़रूर देखिएगा अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक के कचरे से व्यवसाय के स्तर पर वी एस सिक्स मानक स्तर का डीजल बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहाँ पर तैयार होगा किससे प्लास्टिक के कचरे से प्लास्टिक के कचरे से व्यावसायिक स्तर पर बी एस सिक्स मानक स्तर का डीजल बनाने का देश का प्लांट कहाँ तैयार होगा तो विदिशा जिले के औद्योगिक क्षेत्र जम्बार वागरी में होगा याद रखिएगा प्लास्टिक के कचरे से व्यावसायिक स्तर पर बी एस सिक्स मानक स्तर का डीजल मतलब प्लास्टिक के कचरे से डीजल बनेगा कहाँ पर विदिशा जिले के औद्योगिक क्षेत्र है एक जम्बार बागरी में बनेगा और ये एक मानक स्तर का बनेगा बी एस सिक्स मानक स्तर का डीजल बनाने का और ये जो कारखाना है ये देश का पहला है जो मध्य प्रदेश के विदिशा में बन रहा है तो याद रखिएगा विदिशा जिले के औद्योगिक क्षेत्र में कचरे से डीजल बनाया जाएगा वो भी मानक स्तर का अगला क्वेश्चन है सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज होने वाली शिकायतों का निराकरण करने के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग कौन सी हेल्पलाइन शुरू करेगा का सी एम हेल्पलाइन पर दर्ज होने वाली शिकायतों का निराकरण करने के लिए ये कौन कर रहा है पंचायत और ग्रामीण विकास कर रहा है तो इसका नाम जो है वो ग्राम्य हेल्पलाइन होगा क्यों क्योंकि पंचायत और ग्रामीण विकास कर रहा है तो उसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा सीएम हेल्पलाइन पे जो शिकायतें दर्ज होती हैं उसका निराकरण कैसे हो तो पंचायत उसके लिए क्या करेगा तो पंचायत एक हेल्पलाइन शुरू करेगा कौन सी हेल्पलाइन ग्राम्य हेल्पलाइन शुरू करेगा अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री चौहान ने किस वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हाल ही में संबोधित किया तो मुख्यमंत्री चौहान ने हाल ही में किस वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन को संबोधित किया तो ये तीसरा है कौन सा है तीसरा है मुख्यमंत्री जी ने हाल में तीसरे ऊर्जा निवेश सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया फ्रेंड्स ये जो नोट ये जो दिख रहा है जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अगर आपने हमारे प्री के नोट्स लिए हैं तो ये जैसे ही तैयार होगा पूरा का पूरा दो हजार क्वेश्चन ये आपको प्री का जो पेड ग्रुप है उसमें मिल जाएगा प्री नोट्स के साथ आपको मिल जाएगा तो आप उसको प्रिंट निकाल के याद कर लीजिएगा अगला है हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा 29 दिसंबर को मेला लगाने की बात कही गई किस स्वतंत्रता सेनानी के लिए ये मेला लगाने की घोषणा हुई तो 29 दिसंबर को की गई है भीमा नायक देखो अलग अलग जन नायक हैं जैसे कि जनजाति गौरव बिरसा मुंडा और भीमा नायक का मनाया जाएगा जयंती मनाया को हमें उनतीस दिसंबर तो मुख्यमंत्री जो है उनतीस दिसंबर को मेला किसकी याद में मनाया जाएगा भीमा नायक किसके उपलक्ष्य में भीमा नायक याद रखिएगा दिसंबर उनतीस दिसंबर भीमा नायक चार अप्रैल को किस तरह किसकी जन्मस्थली पर हर वर्ष मेला लगेगा किस किसकी जन्मस्थली पर हर वर्ष मेला लगेगा मामा चार अप्रैल को किसकी अ, मतलब जन्मस्थली पर हर वर्ष मेला लगेगा मामा याद रखिएगा चार अप्रैल को टंटिया मामा की जन्मस्थली पर हर वर्ष मेला लगेगा मामा चार अप्रैल अगला है देश का मोस्ट इम्प्रूवड राज्य कृषि के क्षेत्र में कौन सा बना है तो देश का मोस्ट इम्प्रूवड राज्य कृषि के क्षेत्र में बना है मध्य प्रदेश और मुख्यमंत्री को इंडिया टुडे समूह की ओर से ये अवार्ड दिया गया था तो देश का मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य कृषि के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में हमारा जो दर है जीडीपी में वो बहुत ज़्यादा रही है और लगातार तीन सालों से रही है तो इसी कारण इनको ये मोस्ट इम्प्रूव राज्य दिया गया अगला क्वेश्चन है प्रदेश के सकल मूल्यवर्धित में क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का योगदान तीन वर्षों से लगातार कितना रहा है पैंतालीस प्रतिशत यही कारण है कि इनको मोस्ट इम्प्रूव राज्य का अवार्ड दिया गया मध्य प्रदेश में निर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है तो मध्य प्रदेश में निर्माण क्षेत्र का योगदान है बीस प्रतिशत निर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है बीस प्रतिशत है अगला है मध्य प्रदेश में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है सेवा क्षेत्र का योगदान है पैंतीस प्रतिशत मध्य प्रदेश में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है पैंतीस प्रतिशत है द्वितीय क्षेत्र का बीस प्रतिशत है और कृषि क्षेत्र का कितना है पैंतालीस प्रतिशत याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में है फिर औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र में बीस है और सेवा क्षेत्र में कितना है पैंतीस है अगला है देश की टॉवर पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है तो देश में टावर पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश देश में टॉवर पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है मध्य प्रदेश अगला है वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर अतुल गुप्ता को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया तो भोपाल के वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर अतुल गुप्ता को प्राणी मित्र अवार्ड दिया गया आपको ये भी ध्यान रखना है प्राणी मित्र अवार्ड किस दिया गया प्राणी मित्र अवार्ड अतुल गुप्ता को दिया गया और क्यों दिया गया केंद्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली द्वारा पूर्व सीटू संरक्षण के लिए ये अवार्ड दिया गया अगला क्वेश्चन है देश का प्रथम राज्य जो साथी परियोजना को क्रियान्वित करेगा वो है मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य कौन सा है जो साथी परियोजना को क्रियान्वित करेगा मध्य प्रदेश है फ्रेंड्स इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और एक एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है तो वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ओके फ्रेंड्स थैंक यू